वेलकम टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एल टू मैच्योरिटी, एक्सेल में इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, YTM कैलकुलेशंस। जो बॉन्ड्स इश्यू होते हैं उसके ऊपर इन्वेस्टर को इंटरेस्ट किस तरह से रिसीव होगा, उसका जो लॉन्ग फॉर्मूला हम मैन्युअली करते हैं वो एक्सेल में बहुत शॉर्ट होता है, विद इन 10-20 सेकेंड्स में आपको आंसर मिल जाता है, और वो यहाँ पे प्रॉपरली कैसे करना है इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देखते हैं, हमारा यहाँ पे एग्जांपल है YTM कैलकुलेट करने के लिए। 8% ऑफ कूपन इंटरेस्ट रेट, 10 ईयर्स बॉन्ड इश्यू किया है नेशनल बैंक ने, रुपीज जिसकी फेस वैल्यू रुपीज 1000 है, उसको सेल किया है 980 रुपीज में। मतलब जो भी इन्वेस्टर है उसको 980 रुपीज है ना इज गोइंग टू स्पेंड, इसके लिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव में ये अमाउंट लिख दिया यहाँ पे। तो इन्वेस्टर का जो परचेस करने वाला है, वो जो बॉन्ड परचेस करने वाला है वो 980 रुपीज में रहेगा, ये सेलिंग प्राइस है उस नेशनल बैंक की। और बॉन्ड की जो मार्केट प्राइस है या मार्केट वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, फेस वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, इसे हम लोग नॉर्मल वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो इसे यहाँ पे दिया है, ये पार वैल्यू नाम से भी बोला जाता है, इसे 1000 रुपीज है। तो ये 1000 रुपीज पार वैल्यू और 8% कूपन इंटरेस्ट रेट है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन अगर करना है, तो मैंने लिखा है कि अगर उसका 8% इंटरेस्ट रेट है तो पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू पे मिलने वाला इंटरेस्ट 1000 रुपीज पे उसको 80 रुपीज मिलेगा। तो कितने साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए, तो मैच्योरिटी ईयर्स तक उसको 9th ईयर्स तक 80 रुपीज है, और जो मैच्योरिटी ईयर है लास्ट ईयर उसमें उसको 10 ईयर्स मीन्स 10th ईयर में उसको कूपन वैल्यू 80 रुपीज ही है, साथ में उसकी फेस वैल्यू ये भी यहाँ पे उसको रिटर्न होने वाली। तो ये जो अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन, तो उसका YTM मुझे कैलकुलेट करना होगा, यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करनी है। तो किस तरह से, यहाँ पे कर्सर रखिए आप, कर्सर वहाँ पे क्लिक करने के बाद आंसर जहाँ पे कैलकुलेट करना है उसमें मैंने कर्सर रख दिया, और यहाँ पे एफएक्स दिख रहा है आपको ऊपर, फंक्शन इंसर्ट फंक्शन एफएक्स, ये एफएक्स फंक्शन पे आप क्लिक करिएगा। एफएक्स फंक्शन पे जैसे आप क्लिक करते हो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलता है, उसमें आपको ये IRR फंक्शन लेना है। IRR रिटर्न्स द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। तो मुझे IRR यानी YTM ही कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक्सेल में उसके लिए IRR दिया है, रिटर्न्स द इंटरनल रेट, और वही इंटरनल रेट ही हमें चाहिए यहाँ पे। अगर IRR ये फंक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शंस है ये सिलेक्ट फंक्शंस इन मोस्ट रिसेंटली यूज फंक्शंस। तो ये IRR फंक्शन आप यहाँ पे गो करिए, इसमें आपको दिखाई देगा, एंड देन आप ओके बटन पर क्लिक करिए। तो इस तरह से IRR फंक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, वैल्यूज में आपको सिलेक्ट करना है ये पूरी वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखी है, परचेस प्राइस से लेकर ना लास्ट मैच्योरिटी ईयर तक जितना भी वैल्यूज है वो सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे आप ओके करिए। यहाँ पे ओके करने के पहले यहाँ पे फॉर्मूला रिजल्ट आप देख भी सकते हैं, आंसर दिख रहा है आपको 8.30%, ये उसका YTM परसेंटेज है, यील्ड टू मैच्योरिटी यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली। तो जो मैनुअल फॉर्मूला देना था वो बहुत बड़ा था दोस्तों, और उसे एक्सेल में बहुत है ना क्विकली आप कर सकते हैं। अगर कोई कैलकुलेशन आपको वेरीफाई करना है तो एक्सेल में इस तरह से टाइप करके आप उसे उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं YTM का। और एक एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये YTM दोबारा। अभी दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, 8% कूपन इंटरेस्ट रेट लिया है, सेम 9 ईयर्स लिया है, सो मैच्योरिटी उसको नाइन्थ ईयर में मिलेगी, 9th ईयर्स टोटली रहेगा, और उसको एवरी ईयर यहाँ पे कूपन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जैसे ये फेस वैल्यू जो है 1000 रुपीज़ है बॉन्ड की, तो फेस वैल्यू पे 8% यानी 80 रुपीज़ है ना यहाँ पे ऐड करते रहेगा, और लास्ट जो ईयर है उसमें उसको कूपन की वैल्यू प्लस फेस वैल्यू ऐड करके यहाँ पे रहेगी, रिटर्न होगा ये टोटल। और उसका जो यहाँ पे दिया है कि बॉन्ड नेशनल बैंक ने सेलिंग किया एट ₹1090, तो बॉन्ड यानी कि कस्टमर को इन्वेस्ट करना जो अमाउंट है ये है यहाँ पे, कस्टमर हैज टू स्पेंड माइनस, दैट इज यहाँ पे मैंने माइनस में लिखा क्योंकि उसको स्पेंड करना है 1090 में वो बॉन्ड उसने परचेस किया है। सो लेट्स सी
YTM में हम लोग यहाँ पे कर्सर रख रहे हैं, ऑफिस में दिखा रहा हूँ आपको, एपेक्स पे क्लिक करना है, सेम स्टेप IRR और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे इस वैल्यू को सिलेक्ट करिए और आपको रिजल्ट दिख रहा है 6.64% एंड ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ईजी है YTM कैलकुलेट करना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल एक्सेल में। इस तरह से आप आपका आंसर वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप मैन्युअली आंसर निकालते हो और वो आंसर और इसके साथ ये आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। तो अगर ये YTM का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको ज़रूरी है तो दोस्तों के साथ, आप किसी फ्रेंड्स को ज़रूर रहेगा आपका ये वीडियो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इसे, अगर जिसको इसका रिक्वायरमेंट है वो इस वीडियो को देख सकता है, एक्सेल में कैलकुलेशन YTM का कर सकता है। दोस्तों मैं और भी वीडियो बनाते जाऊंगा, अगर आप लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहेंगे सो आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा आपको और भी नॉलेज देने की। तो मिलता हूँ मैं कुछ और टेक्निकल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक यू दोस्तों।